अपना के नाम से ही चलाना है के भाभी को ब्लेम करना बंद करी। विद प्रूफ वो थे मौसा जी और शिवी ने बहती गंगा में धोए हैं हाथ। सपना को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है जो ऑलरेडी पहले से ही परेशान है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिंपल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग, एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी आज का वीडियो जो है वो मैं बना रही हूँ सपना और अंशु के ऊपर। वीडियो दो दिन लेट है लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों के कमेंट्स जो हैं वो भी मेरे लिए बहुत ही मायने रखते हैं। नेक्स्ट मैं सपना की लाइफ के बाद जो मैंने वीडियो बनाया था और रात को जब मैंने अंशु का भी वीडियो देखा तो उसके बाद आज जो है मैंने देखा कि भाई शिवी भी लाइव आई है। लेकिन शिवी ने अपनी लाइव तो की है लेकिन उसमें कुछ उसने खास कोई ऐसी बातों के जवाब नहीं दिए, उसने मौके पर चौका लगाया है ये जरूर कह सकते हैं हम लोग। तो जी चलो आप लोगों के सामने वो मैंने बात रखनी थी इसलिए मेरे को लगा कि पहले मैं फैक्ट के साथ जब भी बात हम लोग आप लोगों के सामने रख सकते हैं जब हम खुद ही पहले उसके लिए तैयार हूँ, जानी कि पहले उस चीज़ पर हम लोग भी सर्च करते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि क्या वाक्य में ही वो चीज़ें सही हैं, है ना, अपने हिसाब से या फिर क्या ही बोलूँ मैं कि भाई देखिए किसी पर रिएक्शन देना या किसी के ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू से बोलना जब ही मायने रखता है जब कि आप पहले खुद ही उस बात से सहमत हो। तो ऐसा ही मैंने सपना के लिए देखा क्योंकि सपना को मैं आज से नहीं बहुत समय पहले से, कोई 5 साल पहले से मैं फॉलो करती आ रही हूँ, 4 साल से, सूरज जी के समय से जब वो प्रेग्नेंट थी। तो कोविड के दिनों में इनके शॉर्ट वीडियो काफ़ी वायरल हो रही थी, है ना, तो उसी समय साथ ही में देखिए परिवार के ये लोग व्लॉग बनाते थे तो अंशु छोटी सी बच्ची भी सामने आती थी। अब जैसे मैंने कल के वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर किया कि मौसा जी बोल रहे हैं कि अंशु ने 16 साल अर्न करके यूट्यूब की अर्निंग जो है इन लोगों को दी, कमाल की बात है। 16 साल क्या यूट्यूब को भी इतना टाइम हो गया इंडिया में आए हुए, है ना। तो ज़्यादातर जो यूट्यूब है वो कोविड के टाइम पर सब लोगों के सामने आया कि टिकटॉक के जो भी लोग थे, टिकटॉक बैन हो गया तो उसके बाद सब लोग जितने भी इन्फ्लुएंसर थे वो सारे यूट्यूब पर आ गए। और थोड़ा मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि 2016 चैनल चाहे लोगों ने 12 में बनाए हुए थे, 13 में, 14 में अपनी आईडी बनाई हुई थी, लेकिन यूट्यूब जो ज़्यादातर सामने आया 2016 में। कैरी मनाटी ने भी अपने जितने भी एपिसोड हैं वो 2016 में ही स्टार्ट करे। तो 2016 से एक तरह से स्टार्टिंग हुई लेकिन धीरे धीरे YouTube जो है वो तरक्की में था या फिर कह दें YouTube के जो ऑडियंस थी वो समझ रही थी सोशल मीडिया को। और कोविड में फाइनली ये सबके हाथों में ही आ गया, हर कोई अपनी आईडी बनाकर अपनी बात जो है वो यूट्यूब पर रखने लग गया, लोग एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग गए, है ना। लेकिन उस समय अंशु की क्या ही उम्र होगी, 13-14 साल, है ना, इतनी उम्र ना, तो 16 साल की तो वो आज खुद है, 17 ईयर उसका चल रहा है ना। तो एक तो वो नाबालिग है, दूसरा वो यूट्यूब पर है, यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग वो अभी बच्ची है, है ना, तो वो 18 इयर्स की नहीं है फिर भी वो यूट्यूब पर है। तो चलो वो अब क्या ही कहना कि वो अगर यूट्यूब पर आ रही है, व्लॉगिंग कर रही है, पर उसने कल जो व्लॉगिंग में कुछ बातें ऐसी करी जो कि मुझे लगा कि मुझे भी आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए थी। एक तो उसने गोल्ड की बात रखी सामने कि मैंने तो पता नहीं खेतों में फेंक दिया था, वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आई कि भाभी ने फेंक दिया था, मैंने लेने को मना किया था, लेकिन वो वीडियो जब हमने देखा भाभी तो उसके गले में पहना रही थी सपना। सपना ने कहा था बेटा अंशु तुम्हें तो ये लेना होगा, तो पागल है, ये तो मैंने तेरे लिए ही बनवाया था। और सपना ने हमेशा ये बात बोली है कि मेरी अरु से भी पहले मेरे लिए अंशु है, अंशु मेरी बड़ी बेटी है, है ना, तो बड़ी बेटी के जैसे ही वो ट्रीट भी कर रही थी। अंशु ने आज तक एक बार भी नहीं बोला कि भाभी ने कभी उसके साथ मिसबिहेव किया है या कैसे भी, है ना, सास बहू की आपस में कभी तनातनी रही हो, ससुर के साथ कभी कुछ बात रही हो, पति के साथ कुछ ऐसा रहा हो सूरज जी के साथ, जैसा कि एक क्लिप भी उसने सुनाई थी सब लोगों के साथ, ऑडियो शेयर की थी, रहा हो, लेकिन अंशु के साथ तो कभी नहीं।
कल जो अंशु का बिहेवियर था वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। अंशु का बिहेवियर इसलिए समझ में नहीं आ रहा था कि अंशु जब तक सपना के टच में थी तो जी फ़ोन कॉलिंग पर बात भी हो रही थी, उस समय अंशु बड़े ही ढंग से तरीके से अपनी बात रख रही थी। अंशु आज भी समझदार है, मैं ये नहीं कह रही हूँ वो मूर्ख है या बेवकूफ़ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं रिश्तों के बहकावे में तो आ ही रही है। अब सपना अगर 26 साल की उम्र में अपने दिमाग से ना चल के दूसरे के दिमाग से चल रही है तो ये अंशु तो फिर बहुत छोटी बच्ची है। अब आप कहोगे कि डिंपल जी आपने ये सारी बातें ऐसा क्यों कहा, सपना क्या किसके दिमाग से चल रही है? आप लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि सपना अभी भी अपने बात भी मेरे को ऐसे करना है, मुझे ये डिसीज़न लेना है, ये मेरा डिसीज़न है, मैं ऐसा करूँगी, मैं अपनी बच्चियों के लिए ये सोचूंगी, मेरे को ये करना, वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। सपना के पीछे या सपोर्ट में अभी उसके मायके वाले हैं। तो देखिए किसी ना किसी को तो साथ देना ही है बच्ची का, है ना। अभी चाहे वो मायके वाले हैं, चाहे पास्ट में अभी काफ़ी ये राजवीर जी के समय मायके वालों ने कुछ भी कहा किया करा हो, है ना, वो चीज़ें वो भूल जाते हैं क्योंकि फ़िलहाल अभी जो साथ दे रहे हैं सपोर्ट बनकर खड़े हैं सपना की, तो वो ही हैं। बाहर वालों में से कौन आ रहा है? देखो ससुराल वाले बाहर वाले नहीं हैं, लेकिन सास के मायके वाले जो हैं वो तो बाहर वाले ही कहे जाएंगे, है ना। उनका इनके घर में कोई भी इंटरफियर नहीं होना चाहिए, लेकिन मौसा जी तो प्रॉपर थंबनेल पर सपना की ही पिक लगाकर, सूरज जी की पिक लगाकर, राजवीर जी की पिक लगाकर अर्निंग कर रहे हैं। वही मौसा जी जो कह रहे हैं सपना जिनकी लाइव, जिनके लिए सपना ने स्पेशली लाइव करी, जिनके लिए सपना ने अपने मोबाइल में उनका फोटो दिखाया, कहा कि ये चैनल देखो, कहीं ना कहीं उनका चैनल प्रमोट हो गया ना। मेरे को उनके मौसा जी का चैनल नहीं पता था, मैंने भी सपना के ही उसमें देखकर मैंने उनके चैनल को जाकर फॉलो नहीं किया, लेकिन उनकी बातें जरूर सुनी और ये भी देखा कि हर वीडियो पर उन्होंने, चाहे वो एक साल पहले भी बनी है, तो राजवीर और सपना की ही पिक लगा कर ही वो अर्न कर रहे हैं और वो बात कर रहे हैं कि अंशु के लिए ऐसा। और अंशु को भी कहीं ना कहीं माँ बाप का प्रेशर है, माँ का नहीं कह सकते, पापा का प्रेशर है। पापा जो ऑन कैमरा में इतने सीधे साधे किसान नज़र आ रहे हैं, लेकिन ऑफ कैमरा उनका चेहरा कुछ अलग है, ऐसा सपना की ओर से बताया जाता है। ऐसे ही मौसा जी हैं, लेकिन सोशल मीडिया पर अंशु ने ये चीज़ें क्लियर करी हैं कि भाई हम लोग सपना से मिलेंगे, भाभी से मिलेंगे, लेकिन भाभी ने मना कर दिया, पापा ये भाभी ने मना कर दिया। और जहाँ पर अम्मा ने फ़ोन किया, जाने की सपना की सास ने, तो जी भाभी ने बात करने के लिए मना कर दिया। भाभी ने कहा आज नहीं, आप कल आइए, ऐसा करके। और बाद में भाभी कहने लगी कि भाई जब आप डायरेक्ट अपनी पोतियों से मिलने आओगे तो फिर भाई आप हमारे यहाँ आना, अभी तो आप डायरेक्ट अंशु के यहाँ गए हो तो वहीं मतलब आप रहो या जैसे भी। तो ये सारी बातें सोशल मीडिया पर नहीं होनी चाहिए थी, जो ऑन कैमरा में हुई ही नहीं। तो ऑफ कैमरा जो बातें थी तो अंशु को ये चीज़ें नहीं बतानी चाहिए थी। तो साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं अंशु को प्रेशराइज किया जा रहा है। अंशु जो है अभी सोशल मीडिया पर जो बात रख रही है वो एक स्क्रिप्ट के तहत रख रही है। तो मतलब सपना को हर तरफ से यही बुरा ही बनाया जा रहा है कि सपना गलत है, गलत है, गलत है। अगर सपना गलत है भाई, वो घर छोड़कर आ तो गई है अपने मायके में, अब जैसे भी रहे, जैसे भी वो रह रही है, जो भी उसके डिसीज़न है, जैसा भी वो कर रही है, तो छोड़ दो ना उसके हाल पर। क्यों सब लोग आप बारी 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 ये उसके वहाँ जा रहे हो, है ना। तो सास ससुर का अगर मिलने को मन है तो सास ससुर जाए, तो ये मामा लोग, मामा ससुर, इन लोगों का क्या ही मतलब बनता है कि ये लोग वहाँ पर जा रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, है ना, क्यों कर रहे हैं पहली बात तो। और दूसरी बात,
कि सपना ने भी ये चीज़ पूछी है, जब आप पैसे वाले हो, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके खेत हैं, खलिहान हैं, सब कुछ है, तो फिर आप लोगों को चैनल बना बना कर, और द रोट चैनल के बारे में भी सपना ने चीज़ें क्लियर करी हैं, चैनल बना बना कर उसने कहा कि आप ऑडियंस को क्या ही बताना चाहते हो, थंबनेल के ऊपर सपना और राजवीर जी की फ़ोटो लगाकर आप क्या अर्न नहीं कर रहे, क्योंकि सपना और सपना के पतियों की पहचान जो है ना उनकी खुद की बनाई हुई है, उन्होंने किसी के थंबनेल पर ये सब पिक्स वगैरह लगा लगा के ये सारी चीज़ें नहीं करी, क्योंकि वो फैमिली व्लॉग बनाते थे, है ना। तो आप लोग भी इन चीज़ों को समझिए, रिश्तेदारी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर सपना के मामा ससुर, मौसा ससुर, ये सब लोग जो हैं मिलकर मौके का फ़ायदा ही उठा रहे हैं, अदरवाइज़ खुद की थंबनेल पर पिक लगाएं और वीडियो बनाएं, फिर देखो चैनल इनके कितने ग्रो होते हैं। और वहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि अंशु को अब भाभी जो है मतलब कहीं ना कहीं कमियां नज़र आने लग गई अंशु को, अंशु तो लीगली उनको कहने लगे भी लीगल जाइए, आप एक्शन लीजिए, ये सारी चीज़ें करिए, जो खुद एक नाबालिग बच्ची है वो ये लीगल बातें करने लग गई, वो ये वीडियो खेलने लग गई, है ना। तो ये बातों में बच्चों का कहीं ना कहीं आना, बच्चों के कंधे पर बंदूक रख के चलाना, ये कहाँ तक सही है। हम लोग कहते हैं कि व्यूअर्स को, हम लोग जो भी रिएक्शन चैनल चलाते हैं, जहाँ लोग रिएक्शन देते हैं, जहाँ हम जैसे लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोलते हैं, तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये ही मानना है कि बच्चों को इस मामले में बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बच्चों को आगे कर कहते हैं ना, बच्चे की कंधे पर बंदूक रख कर चला रहे हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, वो अपने ही बच्ची का फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्ची ही कह रही है भाभी सच बताइए ना, तो मतलब भाभी झूठी है, सपना झूठी है, सपना की पोल पट्टी तो यही सब लोग खोलेंगे मिलकर, है ना। तो अगर सास ससुर का, दादा दादी का मन करता है कि अपनी बहू से, अपनी पोतियों से मिलने का, तो वो डायरेक्ट जाएं, वो उनसे मिले, मामा ससुर वगैरह का कभी ना तो कोई मन करेगा ना वो मिलने जाएंगे, है ना। तो वो उस समय भी कभी नहीं आते थे जब राजवीर जी और सूरज जी जिंदा थे, वो तो जब भी नहीं आते थे। तो सपना अभी सिंगल मदर है, उसको अपनी बच्चियों के लिए क्या करना है, फ्यूचर डिसाइड करना है, जैसे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, व्लॉगिंग के थ्रू आपको पता लगती हैं सारी बातें, सब कुछ दिखाई पड़ता है, तो फिर पीछे पीछे उसके वहाँ तक जाना ही क्यों। और एक चीज़ मैं ये भी चीज़ आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि देखिए, हमेशा यहाँ से 2 महीने से जो वीडियो बनी है सपना के लिए, तो उसमें मैंने भी बोला, कल वही बात सपना ने लाइव पर बोली कि अपने सास ससुर को कहा कि आप अपनी बात रखिए। आप लोगों को पता होगा कि एक रिश्तेदार बनकर है तो वो यूट्यूबर ही थी, रिश्तेदार नहीं थी, लेकिन वो बात रख रही थी, वो इसके सास ससुर की तरफ से रख रही थी सपना के, है ना, आपको पता है। फिर उन्होंने वीडियोस बनाना बंद कर दिया क्योंकि उनको धमकियां दिलवाई गई, और कहीं ना कहीं ये कहा गया कि सपना के भाई ने धमकियां दी, जहाँ लखनीत फैमिली की ओर से, लखनीत और नीतू की ओर से धमकियां दी। पॉइंट टू पॉइंट मैं आप लोगों के साथ अभी सारी बातें क्लियर करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को ये चीज़ भी बताऊंगी कि अब आप ये देखिए, मुझे कमेंट आ रहे हैं कि लखनीत और अब नीतू जो हैं अब सपना के लिए स्टैंड नहीं ले रहे, अब वो क्यों नहीं बात कर रहे। देखिए, ये उनका अपना पर्सनल मैटर है, उन्होंने बात की या नहीं की, जहाँ वो किस तरीके से ऑफ कैमरा सपोर्ट कर रहे हैं, है ना। सपना को सपोर्ट मिलेगी, सपना के लिए व्यूअर्स खड़े हैं, और सपना की वो जो रिश्तेदार थी, जिनके लिए मैंने बोला वो रिश्तेदार नहीं थी, वो एक यूट्यूबर थी, ठीक है, वो अपक्ष रखना चाह रही थी सास ससुर का। और इवन ये चीज़ सपना ने भी बोली कि आप अपना पक्ष रखिए, चैनल है आपके पास, आप अंशु के थ्रू भी अपनी बात रख सकते हो, और नेबर जो हैं कह रहे कि हम नेबर हैं सपना के, तो वो भी जाकर, आप लोगों ने देखा होगा अपनी व्लॉगिंग में, अंदर जाकर बातचीत करते हैं, हालचाल लेते हैं सपना के सास ससुर का, तो उनके चैनल पर भी आप अपनी बात रख सकते थे, अपना पक्ष रख सकते थे, लेकिन नहीं, सपना भी चाहती है कि उसकी ऑडियंस को पता लगे, सारी बातें क्लियर हो, है ना।
तो भाई कभी कोई रिश्तेदार बन के खड़ा हो जाता है, कभी कोई खड़ा हो जाता है। चैनल सब लोगों को सपना के नाम से ही चलाना है। रिएक्शन चैनल वाले तो अपना अपना चैनल बनाकर बैठे हैं, तो अपने रिएक्शन और अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। कोई सपोर्ट कर रहा है तो चलो ठीक है, किसको कोई एग्री नहीं करता तो वो अपने हिसाब से बोल रहा है। लेकिन ये जो रिश्तेदार हैं जिन्होंने अभी अभी या फिर राजवीर जी के जाने के बाद अपने चैनल ओपन करे हैं, जी सारी रिश्तेदारी इकट्ठी हो गई है मिलकर कि चलो जी सपनों को ही बुरा ठहराया जाए, सपनों को ही बुरा बनाया जाए। भई इतनी बुरी है तो दूर रहिए ना सब लोग उससे, क्यों ही उसके पीछे पड़े हुए हो, है ना। अब अंशु के लिए भी मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, अपना फ्यूचर जो है वो बनाओ और जिंदगी में आगे बढ़ो, तरक्की करो। भाभी ने क्या किया तुम्हारे लिए, क्या नहीं किया, अपने उन प्यारे पलों को, अपने उन प्यारे क्षणों को याद करके भाभी को ब्लेम करना बंद करो। भाभी ने तुम्हारे लिए कुछ भी अपनी लाइफ पर ऐसा नहीं बोला। भाभी की बात रखने का जो तरीका था, भाभी ने जिनके लिए बात करी विद प्रूफ, वो थे मौसा जी। मौसा जी के लिए उसने बात करी, उनके चैनल को भी एक तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट कर दिया, प्रमोट कर दिया। ठीक है, ये अंशु अगर देखें तो वो ये चीज़ समझे, बच्चे हो बच्चे बनकर ही रहो, ज़्यादा मतलब बड़ों के बीच में आकर खुद का फ्यूचर मत खराब करो। पहले ही तुम यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो चुकी हो, स्कूलिंग तुम्हारी जो है चल रही, तुम पढ़ने वाले बच्चे हो, पढ़ाई पर ही ध्यान दो, मेरा ये कहना है। अब बात कर लेते हैं शिवी पर। शिवी के लिए भी अंशु ने बोला कि शिवी दीदी ये मैं तो भाई उनके दोस्तों से अब दूर हूँ, सपना के जो है जैसे है। भाई शिवी दीदी के लिए तुम्हारे लिए बहुत ही रिस्पेक्ट है, लेकिन शिवी के पति ने सपना को क्यों दी गालियाँ, ये चीज़ तो वो आज भी अपनी लाइफ पर क्लियर नहीं कर सकी। मेरा लेट नाइट वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था कि आप लोगों को ये मॉर्निंग वीडियो मिल जाए। ठीक है जी, तो यही था कि शिवी के हस्बैंड की कहाँ की समझदारी है कि एक औरत से आप गालियाँ मतलब उसको दे रहे हो, तो ये कहाँ की आप इंसानियत दिखा रहे हो, ये कहाँ की आपने हेल्प करी थी, ऐसी क्या ही बात हो गई थी कि आपने सपना को गालियाँ दी या सपना ने आपको दी, क्या बात हो गई थी, ऐसा क्या ही कह दिया था आपने, क्या हुआ था उस समय, ये सारी चीज़ें तो क्लियर नहीं है। लेकिन सपना ने ये चीज़ तो बताई कि शिवी तुम्हारे पति ने गालियाँ दी, अब तुम्हारी देहरी पर मैं तो कभी कदम ना रखूंगी। लेकिन जो मैं अभी तक देख पा रही हूँ, समझ पा रही हूँ कि फिलहाल तो सपना के पता नहीं क्यों सारे के सारे ही दुश्मन बने बैठे हैं। माइक का फैमिली उसकी फिलहाल सेफ है, वो अपने मायके में, तो उसको वहीं रहने दो। तो आप लोग जो है दूरी बना चुके हो तो वो बना लो, और वो अपना घर छोड़ आई है, तो मम्मी पापा आप आराम से सास ससुर रहिए। ठीक है, सास को वहाँ पर ये भी दिखाया है अशु ने, वो याद करती है अरु अरोही को, क्यों ना करेंगी, उनके वो बच्चों की निशानियाँ हैं, उनका प्यार है, और ये वही बहू है सपना जिसको वो प्यार दुलार से ब्याह कर अपने घर लेकर आई थी, और फिर उसके बाद उसने दूसरे बेटे से भी शादी रचाई थी क्योंकि उसका दुख उससे देखा नहीं जा रहा था सास से। ठीक है, बहुत प्यारी अच्छी बॉन्डिंग थी इन लोगों की, आपस में प्यार था या जो भी था, फिलहाल इंसानियत जिंदा थी। लेकिन अभी जो है अंदर से ना दिलों से रिस्पेक्ट भी खत्म हो चुकी है, तो प्यार तो दूर की ही बात रही है ना। और शिवी ने बहती गंगा में धोए हैं हाथ, तो उसने कहा कि लाइव लाइव तो चल रहा है तो चलो मैं भी लाइव ही कर लूँ। लोग उसको कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे तुम्हारे पति ने क्यों गालियाँ निकाली, लोग तो ये भी लिख रहे थे कि तुम्हारा क्या ही ऐसा हुआ कि सपना के साथ तुम्हारा कट ऑफ हो गया, लोग बहुत कुछ लिख रहे थे कि तुम प्रूफ करो ना, तुम बता क्यों नहीं रही हो, तुम हमारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे हो। लेकिन वो उसने एक ही बात बोली कि सच सबको पता चल जाएगा, अब सच सबको पता लगेगा। क्या पता लगेगा, पूरी लाइफ में कुछ भी ऐसा नहीं था, बस अपना हंसते खिलखिलाते अपनी मस्ती में अपनी इंजॉय करते हुए उसने लाइव करी, एक दो बात उसने बोली, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं। उसको लगा कि शायद अंशु भी मेरे फेवर में है, पर ये है ठीक है, शिवी के भी डेली व्लॉगिंग हो रही है। सपना की और शिवी की जो भी कंट्रोवर्सी थी उस पर जल्दी ही विराम लग गया, क्योंकि सपना अपनी व्लॉगिंग में मस्त, सपना ने प्रूफ दे दिया। ठीक है, शिवी ने कोई प्रूफ नहीं दिया,
अब शिवी से प्रूफ मांग रहे हैं व्यूअर्स, शिवी दे नहीं पा रही है, क्योंकि शिवी के लिए भी प्रूफ था सपना के पास में कि कैसे रोते हुए उसने बोला कि गलती उसके पति की थी, और पिता के बारे में भी वो फ़ोन कॉल की वो रिकॉर्डिंग सुना दी सपना ने कि पता लग गया गलती उनके बेटे की थी। अब गलती क्या थी ये किसी को नहीं पता, ठीक है जी। शिवी के पास भी कोई भी आंसर नहीं था, तो शिवी कहीं ना कहीं गलत ही ठहराई गई है। फिलहाल तो वो अपनी घरेलू व्लॉगिंग कर रही है, तो वो अपना करे तो सपना अपना कर रही है, दोनों मस्त हैं, दोनों ही व्यस्त हैं, है ना। लेकिन सपना को कहीं ना कहीं प्रवोक किया जाता है, सपना को कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है, सपना को कहीं ना कहीं मेंटली हरास भी किया जाता है। जो ऑलरेडी पहले से ही परेशान है उसको और परेशान किया जाता है। फिलहाल व्यूअर्स की सहानुभूति जो है वो सपना के साथ है, लेकिन कहा यह भी जाता है, मैं एक थंबनेल पर क्वेश्चन लगाऊंगी, एक कमेंट है मेरे पास भी आया, उन्होंने कहा कि सूरज और राजवीर जी के जाने के बाद सपना जो है, सपना को सहानुभूति मिली उनके व्यूअर्स की, सपना ने शायद उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की है और अभी भी वो उनका फ़ायदा ही उठा रही है। तो मैंने फिर अब सारी बातें क्लियर आपको कर ही दी कि सपना ऑलरेडी नेम और फेम दोनों ही कमा चुकी थी, जा कमा रही थी, उसकी मेहनत का अपना फल था, ठीक है, कि व्यूअर्स उसके साथ अटैच्ड थे और अटैच्ड हैं अभी भी, है ना। व्यूअर्स जो हैं जुड़े हुए हैं, ठीक है, व्यूअर्स को वो पसंद है, जिसको पसंद है वो जुड़े रहेंगे और जिनको नहीं पसंद है वो चले जाएंगे, है ना। लेकिन असली चेहरे तो धीरे धीरे अब सबके सामने आएंगे ही, और बच्चों के लिए तो बोल ही दिया भाई अंशु तुम पीछे ही रहो, तुम्हारे लिए तुम्हारी भतीजियाँ उतनी ही प्यारी होनी चाहिए, तुम्हारे लिए तुम्हारी भाभी उतनी ही प्यारी होनी चाहिए जब भाइयों के रहते जितनी प्यारी थी, भाभी के लिए जितनी तुम अब भी प्यारी हो। तो ये सारी बातें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, अपनी राय रखना जरूर, मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपका क्या कहना है इसके बारे में। आज के वीडियो के देखने के बाद जो भी जिस भी निष्कर्ष पर आप पहुंचोगे, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखना जरूर, मेरे को वेट रहेगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।